जो आभार रैलियां निकाल रहे हैं नकल रोधी कानून के समर्थन में, आज उन्हें भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए कि आप नकल को रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं, आपके जो पेपर हैं वो बाहर आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगातार हमने ये बात रखी है कि आयोग के अंदर बहुत से ऐसे लोग अभी भी मौजूद है जो इस कामों में लिप्त हैं। अगर आयोग की सफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के छात्रों का एक ही नारा था, एक ही मांग थी कि पहले जांच फिर परीक्षा, और इसमें जबरदस्ती आयोग ने की, इसमें जबरदस्ती सरकार ने की। आज अगर ये चीज़ें सामने आई है तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार और आयोग ले। यहाँ पर बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चे तो बिल्कुल मेहनत करके जा रहे हैं, परंतु उनके उन पर जो उनकी मेहनत पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं यहाँ की सरकार और यहाँ का आयोग कर रहा है। परीक्षा से एक दिन पहले जिस तरह की गिरफ्तारी हुई और परीक्षा रद्द नहीं हुई, इससे पहले जो पटवारी का एग्ज़ाम दोबारा किया गया था उसमें भी कई तरह के सवाल उठे थे। सरकार ने दावा किया कि परीक्षा हमने सफलतापूर्वक कराई है, भ्रामक खबरें हैं ये सब, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, जब आप किसी की जाँच नहीं करोगे तो भ्रामक ही लगेंगी। अगर उत्तरकाशी में एक बच्चे ने सील टूटने की जो प्रतिक्रिया दी थी उस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, ना कि उस पर जांच की, आज भी वो जांच रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें पता नहीं है कि सील कैसे टूटी है। और आपने पटवारी का रिजल्ट जरूर जारी किया है, परंतु एक आध जगह हो सकता है कि इस प्रकार की चीजें हो, परंतु हर डिस्ट्रिक्ट में ये हो रखा है कि सिटिंग अरेंजमेंट जो है, आपने आगे पीछे के सिलेक्शन बहुत ज्यादा हो रखे, कहीं कहीं एक ही सेंटर पर बहुत सारे सिलेक्शन हो रखे हैं, तो ये थोड़ा जांच का विषय है। अब हम ये नहीं कह रहे कि जरूर इसमें तीन गुना लिए हैं, और पुलिस की भर्ती में और पटवारी में जब अगले चरण में कोई अंक जुड़ने ही नहीं है, तो सबसे बड़ी डिमांड हमारी ये है कि पूरे रिजल्ट को हफ्ते भर के अंदर आप नाम, फादर नेम और उनके जो नंबर है वो पूरा सहित आप उसको जारी करिए, तभी यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो ये बिंदु सामने आए हैं, जो पेपर बाहर होने की जो खबर आई है और जो सूचना मिली है, उस पर जाँच करनी चाहिए आयोग को भी और सरकार को भी। ठीक ठीक हो गया।